अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लोरियल के प्रोडक्ट्स का रिव्यू। तो लोरियल के ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, ये टोटल 5 प्रोडक्ट्स आते हैं। ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो इन्हीं के बारे में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये जो सारे पाँचों हैं, ये तो मेरे पास नहीं है। मैंने इनमें से 3 खरीदे थे क्योंकि मुझे यही ज़रूरी लग रहे थे कि ये जो है ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू वो जो दूसरे वाले हैं। तो दूसरे वाले मुझे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरे पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है मेरे पास ये लोरियल का टोनर, ठीक है। ये इस तरह की बोतल में आता है, ये 400 ml की पैकेजिंग में है। नेक्स्ट है मेरे पास ये है लोरियल का फेस वॉश। ओके, एंड जो लास्ट है वो है मेरे पास ये क्लिंजिंग मिल्क, ठीक है। ये भी 400 की ही पैकेजिंग में है, एंड इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। आप देख सकते हैं पंप में आता है, एंड इसकी खुशबू जो है वो माइंड ब्लोइंग है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी, ऐसा लगता है कि इसमें रियल फ्लावर्स हैं। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, ये क्लेम करते हैं कि ये मेकअप को अच्छी तरह से रिमूव करते हैं, हमारी स्किन को सॉफ्ट करते हैं, स्मूथ कर देते हैं, एंड ये विंटर्स के लिए स्पेशल है, ड्राई स्किन वालों के लिए। तो अब हम मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाती हूँ कि वाकई में ये वर्क करते हैं या नहीं। ओके, तो सबसे पहले है मेरे पास फेस वॉश। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ। ये वाला जो फेस वॉश है, ये बना हुआ है रोज़ एंड जैस्मिन फ्लावर से। तो ये स्पेशल है ड्राई टू सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। अल्कोहल फ्री है, 150 ml की पैकेजिंग में आता है, एंड इसके जो इंग्रेडिएंट्स वो भी मेंशन किए हुए हैं बैक साइड पे, और इसके ऊपर ये भी मेंशन किया हुआ है कि हम इसको ओपन करने के कितने अरसे के बाद यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास है लोरियल का ये क्लिंजिंग मिल्क। तो इसको भी हम मेकअप रिमूव करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, 400 ml की पैकेजिंग में आता है। इसके भी बैक साइड पे हमें इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं, और ये भी बताया हुआ है कि हम इसको ओपन करने के कितने अर्से तक यूज़ कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ हमें बताया हुआ है कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है फेस एंड नेक पे, और उसके अलावा हम इसको दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसकी पैकेजिंग से ही पता चल रहा होगा कि मैं इसको कितना ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी, एंड मुझे ये किस हद तक पसंद है ये आगे जाके आपको पता चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट अप हमारे पास वो है लोरियल का टोनर, एंड इसमें जो है मेंशन किया हुआ है कि हमारी अच्छी तरह से फेस को क्लींस करता है, वाइटलाइज करता है, हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है, एंड हमारे मेकअप को भी रिमूव करता है। एंड साथ ही साथ ये भी बताया हुआ है कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, और इसमें रोज़ एंड जैस्मीन के फ्लावर्स एक्सट्रैक्ट ऐड किया हुआ है। 400 ml की पैकेजिंग में आता है, एंड इसकी बैक साइड पर भी हमें यही दिया हुआ है कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है, इन्ग्रीडियंट्स भी मैंशन है, एंड ओपन करने के कितने अर्से तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करते हैं। मैंने जो अच्छी खासी अमाउंट में फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है ताकि मैं आप लोगों के साथ सही तरह से रिजल्ट शेयर कर सकूं इनका। तो सबसे पहले मैं अब लेने वाली हूँ यह लोरियल का फेस वॉश। तो मैं अपने फेस को वेट करके आ जाती हूँ, एंड फिर आप लोगों को ये यूज़ करके दिखाती हूँ। ओके जी, तो मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से वेट कर लिया। मैं थोड़ी सी अमाउंट में ही लूँगी इसको, एंड मैं अपने फुल फेस पर इसको अप्लाई करूँगी। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह से है क्रीमी फॉर्म में। जिस तरह हम अपना नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करते हैं, उसी तरह ही हम इसको अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। ओके, इसको जो है अब मैं वॉश करके आती हूँ, एंड आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करती हूँ। ओके, तो मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, एंड आप देख सकते हैं इसने काफ़ी हद तक जो है मेकअप को रिमूव कर लिया है, बट जो हमारी आईज़ की किट है, मस्कारा वगैरह, उसको जो है थोड़ा थोड़ा वो रह गया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्लींस करके दिखाती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट अब मैं लेने लगी हूँ क्लींजर, एंड इसका जो है आई थिंक एक पंप भी काफ़ी रहेगा, वरना जो है बहुत ज़्यादा फेस ऑयली हो जाता है, एंड ये जो है उतरता नहीं है, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे।
ओके, तो इसको जो है मैंने 2 से 3 मिनट के लिए मसाज किया अपने फेस पे अच्छी तरह से। अब मैं इसको कॉटन पैड की हेल्प से रिमूव करूंगी। एंड आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मेकअप जो फाउंडेशन है वो उतरा है मेरे फेस से। लेकिन इससे जो है मेरी स्किन काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा जेंटल है ये स्किन पे। और ये देखें जो है सारा मस्कारा भी उतर गया। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट लेने लगी हूँ ये वाला टोनर। एंड इसकी हेल्प से भी मैं कॉटन पैड लूँगी एंड इसकी हेल्प से भी मैं अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। एंड अब जितना भी बचा कुचा मेकअप होगा वो भी सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। सो इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी सी हार्श है, ज़रा तेज़ है इसकी खुशबू, वो जो है आँखों में लगती है। उसके अलावा ये जो टोनर है ये परफेक्टली काम करता है एंड इस बहुत ही अच्छा है। ये जो है डीप क्लींस करता है, हमारे फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। और जो हम ये 3 स्टेप करते हैं इसमें हमारा पूरा का पूरा मेकअप जो है वो रिमूव हो जाता है। अब जो है हल्का हल्का मेरी आंखों में जा रहा है, हल्का हल्का सा जो है चुभन टाइप फील हो रही है। आईज एरिया को जो है थोड़ा सा ये हर्ट करता है, उसके अलावा ये बिल्कुल ठीक है, फेस पे बिल्कुल जेंटल रहता है, कहीं और भी इचिंग वगैरह नहीं होती, सिर्फ इस एरिया में होती है आइज़ के। और ये 5-10 मिनट होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हो गया क्लीन। एंड अब इस कॉटन पैड में भी हल्का हल्का सा मेकअप आया है। ओके, तो जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इनमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है क्लींजिंग मिल्क, मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सेकंड नंबर पे आता है वो है फेस वॉश एंड थर्ड नंबर पे आता है वो है टोनर। तो इन तीनों चीज़ों का आप लोगों ने क्लियरली देख लिया है कि क्या है इसका रिजल्ट, क्लियरली आप लोगों को नज़र आ गया होगा। इसके अलावा जो इसके 2 और प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक आता है वेजलिन टाइप एक क्रीम आती है जो कि हमारे मेकअप को रिमूव करती है, वो मेकअप रिमूवर है क्रीम टाइप का। एंड उसके अलावा जो है एक आता है वेट वाइप, वो भी मेकअप रिमूवर है। तो इन सब का ऑलमोस्ट जो मकसद है वो हमारे मेकअप को रिमूव करना ही है। तो उनको मैंने नहीं ख़रीदा, इन 3 चीज़ों को ख़रीदा एंड इसके रिजल्ट मुझे बहुत आउट क्लास मिले हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये लोकली अवेलेबल है, ड्रग स्टोर ब्रांड है, आप लोगों को कहीं से भी ईजिली मिल जाए। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आप लोगों ने इस वीडियो को इंजॉय किया होगा। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दे, अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।